सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडे ला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह, जो कि बीते 5 दिनों तो फरार दसे जांदे ने, अते पंजाब पुलिस दीआं समुच्चियां टीमां उहनां दी तलाश कर रहीआं ने। इसे दे चलदिआं अमृतपाल दा मामला केंद्रीय एजेंसी NIA वालों अपने हाथों च लैण पिछों NIA दीआं 8 टीमों वालों वख-वख जिलों के रवाना हुई है। NIA की एक टीम दे अमृतपाल सिंह दे जद्दी पिंड जलपुरा खेड़ा विखे पुज्जन की उम्मीद नूं लैके स्थानक पुलिस प्रशासन ते भारी तादाद च मीडिया अमृतपाल दे घर विखे कल तो जुड़िया होया है। इस दौरान दिल्ली की 5 मैंबरी कमेटी अमृतपाल दे घर पुजी। इस टीम च कुछ मैंबर भी वकील दसे जा रहे, पर इस टीम ने मीडिया दे रूबरू होना मुनासिब नहीं समझिया। इस तो पहला इस टीम वालों अमृतपाल दे पिता तरसेम सिंह नाल काफ़ी लंबा समा बंद कमरा मीटिंग की गई, उपरंत परिवार नाल भी मुलाकात की गई। इत्थे ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि उक्त टीम अपने दूसरे भेस च NIA दे ही मैंबर हो, पर इस संबंधी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। भावें कि पंजाब पुलिस वालों अमृतपाल दे घर दे बाहर अते उहनां दे पिंड नूं जाण वाले सारे रस्तियां ते पुलिस नाके लाए हुए ने, पर हुण इस नफरी नूं बिना किसी शर्त दे हटा लिया गया। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई दौरान कांग्रेसी विधायकों वालों सरकार नूं वख-वख मुद्दों ते घेरिया गया। कांग्रेसी विधायकों ने सदन चो वॉकआउट कर दिता। मीडिया के नाल गलबात करते हुए विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा ने अमृतपाल सिंह के मुद्दे नूं लैके कहा कि पंजाब पुलिस वालों केंद्रीय एजेंसियां नाल मिल के शाहकोट इलाके च ऑपरेशन अमृतपाल चलाया गया। उन्हें कहा कि सोची समझी साजिश सी, क्योंकि केंद्र सरकार अपना लाहा लैना चाहती सी अते पंजाब सरकार जलंधर लोक सभा चोण दौरान अपना फायदा देख रही सी, नहीं तो अमृतपाल ते कार्रवाई किते भी की जा सकती सी। बाजवा ने कहा कि हर सर्विस इंटरनेट नाल कनैक्ट है अते सरकार वालों इंटरनेट ही बंद कर दिता गया। उन्हें कहा कि यही गल्लां दरौंदियां ने कि सोची समझी साजिश है, जिस बंदे नूं गिरफ़्तार करना चाहिए सी उस नूं गिरफ़्तार नहीं किया गया। बाजवा ने कहा कि पंजाब पुलिस नूं सब पता है कि किवें अमृतपाल ने गड्डी बदली, कित्थे कपड़े बदले, पर यह नहीं पता कि उस वेले कित्थे है। बाजवा ने स्पीकर से सवाल चुकदा कहा कि विधानसभा का स्पीकर एक फर्जी है। उन्हें कहा कि पंजाब च दहशत का माहौल बना के रखा गया है। श्रोमणी अकाली दल विधायक दल के आगू मनप्रीत अयाली ने बेकसूर सिख नौजवानों से कौमी सुरक्षा एक्ट लगाने उन्होंने झूठे केसों च फसाने की जोरदार निखेधी की है। विधानसभा च सिफरकाल दौरान यह मुद्दा चुकदिया मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि हैरानी वाली गल तो यह है कि सिख नौजवानों खिलाफ NSA वर्गे माड़े कानूनों तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने भविख को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस नाल सूबे च लोगों के मन च दहशत फैल गई है, तो इतिहास दोहराया जा रहा है, तो सिख कौम वालों पहला हंडाए संताप तो कोई सबक नहीं सीखा गया। याली ने मांग की कि जेडे बेकसूर नौजवानों झूठे केसों च फसाया गया है उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए। इस उन्होंने जोर दे के कहा कि कुछ नौजवान उन्होंने हल्के ने जिन्होंने झूठे केसों च फसाया गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुछ गलत किया उन्होंने खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए है। उन्हें कहा कि जिन्होंने कुछ गलत किया उन्होंने खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए है। आबकारी नीति के मामले च दिल्ली के सबका मुख्यमंत्री आप नेता मनीष सिसोदिया दी मुश्किलां वधिया ही जा रही ने। ईडी ने 5 दिन का रिमांड खत्म होने तो बाद बुधवार को मनीष सिसोदिया दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में पेश किया। इनफोर्समेंट डायरैक्टर ने इस मामले च सिसोदिया तो पूछगिछ करने लई होर रिमांड की मंग नहीं की। इस मद्देनज़र अदालत ने सिसोदिया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिता। साफ है कि सिसोदिया कुछ दिन होर जेल दे विच कटने पैणगे। नाभा जेल ब्रेक मामले च 22 मुलजम दोषी करार दिते गए हैं। अदालत ने 6 मुलजमान बरी कर दिता। अदालत ने सज़ा संबंधी फैसला 23 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है।
रूस के वैगनार ग्रुप प्राइवेट आर्मी की तर्ज से आनंदपुर साहब खालसा फौज बनाने का सुपना अमृतपाल ने वेख्या। इस काम लिए उसने करोड़ों रुपए फंड के तौर पर बाहरों मंगवा ले सी। अपने आनंदपुर साहब खालसा फौज बनाने के प्रोग्राम उस वालों विसाखी मौके साकार किए जाने का प्रोग्राम वड्डे पद्धर से उलीकया गया। अमृतपाल सिंह वालों विसाखी मौके श्री आनंदपुर साहब विखे पंजाब के वख वख हिस्सों तो खालसा विहीर राही संगतां का वड्डा इकट्ठ करके आनंदपुर साहब खालसा फौज की स्थापना का ऐलान किए जाने का प्रोग्राम उलीकया गया से, जिसनों खुफिया एजेंसियों की चौकसी करके खत्म नहीं किया गया, सगों उसके पंजाब के वख वख जिलों से थापे गए एरिया कमांडर आगुओं पंजाब पुलिस वालों वख वख धाराओं हेठ परचा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। जो पत्रकारों वालों कौमी त्यौहार होला मोहल्ला ते अमृतपाल दे इस प्रोग्राम की श्री आनंदपुर साहब अते रोपड़ दे इंचार्ज भाई जरनैल सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने इस गल का खुलासा किया कि इस लिए आनंदपुर साहब विखे प्रोग्राम उलीकया गया सी। इस संबंधी अखबारों च कुछ नहीं आन दिता जाएगा ते समा आन ते श्री आनंदपुर साहब विखे अमृतपाल दे बारे आप ही इस बारे जानकारी दे देंगे। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वालों पंजाबियों के नाम से चिट्ठी से सबका विधायक सिमरजीत बैंस ने टिप्पणी की है। उन्होंने तिखी प्रतिक्रिया दिंदा कहा कि पंजाब की शांति नूं लांबूदी नी सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे राज तों रखी गई सी। उन्होंने बादल के कार्यकाल च वड्डियां घटनावां दा जिक्र करदिआं कहा कि 1978 च श्री अमृतसर च निरंकारी कांड वापरिया सी, जिस विच लगभग 13 सिंह शहीद होए अते उस कांड दे साजिशकर्ता बादल ने सुरक्षित पंजाब तो बाहर भेज दिता से। इस तो अलावा लुधियाना 2011 वापरे आशुतोष कांड च दर्शन सिंह लोहारा शहीद किया गया। उन्होंने दसा कि बादल अपने राज शांति रखने दियां डिंगा मारे से, पर इन्हों के कार्यकाल 2014 श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की गई तो इंसाफ मंगदियां बेदोषियां संगतों पर हमला किया गया, कई सिंह जख्मी हो गए तो 2 शहीद भी हुए। फिलहाल इस हुण तक दियां खास खबरां। नवीं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी दे लई सुनदे रहो न्यूजीलैंड दा नंबर 1 पंजाबी रेडियो साडेला रेडियो 87.8 FM। सत श्री अकाल।